वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। आई थिंक थंबनेल टाइटल देखे आपको पता चल गया होगा मैं अभी कहाँ पे, आपको पता है मैं हूँ उल्लास सर के घर पे। और यहाँ पे जो वीडियो शूट करते हैं उनके साथ में कौन कौन शूट करता है तो मैं बताता हूँ। आ जाओ इधर। सबसे पहले मैं उल्लास सर को दिखाता हूँ, वहाँ पे शूज़ पहने हम लोग जा रहे हैं, सर का खुद का होटल है, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं बाबू को बुलाना चाहूँगा, ये प्यारा सा बच्चा है। और ये भाई आ जाओ जरा, ये देखो ये वीडियो शूट करके देते हो, पहले अपना नाम बताओ, आपका नाम? यस नाम है। और आपका नाम? और आप भी आ जाओ, आपका क्या रोल रहता है इसमें? देखो पूरा सेटलमेंट करने वाले ये लड़के। और अभी हम लोग जा रहे, देखो वहाँ पे सबका वीडियो बनता है, इसी टेबल आपको दिख रहा है वो टेबल पे वीडियो बनता है, और वहाँ पे एक पीछे पर्दा लेके बाबू खड़ा रहता है। बहुत ही हार्ड वर्क करके वीडियो बनता है, और वीडियो कभी कभी आप लोग रिटेक लेते हैं, नहीं लेते एक ही बार में कर देते। तो सर कभी आपने ऐसा हुआ रिटेक वीडियो लिया था आपने? रिटेक वीडियो अभी तक तो नहीं लिया, लेकिन एक ही वीडियो था मुझे, उसमें दो बार जूस पीना पड़ा था। हाँ। बाकी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं रिटेक ज्यादा। तो चलो गाइस अभी हम लोग चलते हैं वो सर का होटल, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको देने वाला हो, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स से सर, सबसे पहले मुझे बताओ जो फैंस आपसे मिलना चाहते हैं तो उनके लिए आप अपना एड्रेस बता सकते हो क्या? एड्रेस तो मैं घाटकोपर में रहता हूँ, आप किसी को भी पूछोगे तो मेरे घर तक लाके दे देगा, और मुझे कांटेक्ट करोगे आप तो मैं एड्रेस भी मेरा पूरा बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो देख रहो सर यहाँ तक बता दिए घाटकोपर में रहते हैं, और घाटकोपर में आप किससे भी पूछोगे, नाम तो उल्लास है बट आपको चिकन लेग पीस के नाम से लोग जानते हैं, जानते हैं। तो आप घाटकोपर में आ जाओ, किसी भी पूछोगे मिल जाओगे। और मैं नियर बाय में बताता हूँ, नियर बाय असलपा स्टेशन, आप यहाँ पे आ जाओ, किसी भी पूछो आपसे मुलाकात हो जाएगा सर का। बट सर बहुत सारा काम है, सर का बिजनेस भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो मैं इस वीडियो में सब रिवील करने वाला सर का लाइफ जर्नी कैसा है, ठीक है? तो बनो भी सर का एक होटल है, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, और उसी होटल में जा रहे हैं, आपको होटल भी एक्सप्लोर कराऊंगा, होटल कैसा है, उसका नाम है कॉपर कबाना। हाँ। और गाइस होटल का जितना भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, होटल में बहुत सारी फैसिलिटी है जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा फायदा उठा सकते हो भाई। तो लेट्स सी, चलो हम लोग डायरेक्ट अभी मिलते हैं होटल में कॉपर कबाना में, चलो बाय बाय। एक्सयूवी सर की है, एक्सयूवी है, हम लोग अभी इससे आए, और सर के पास एक ये भी गाड़ी है, ये भी सर की गाड़ी है, बहुत ही डेंजर है, और गाड़ी और है, मैं सब दिखाता हूँ। और अभी पहले मैं आपको होटल एक्सप्लोर करा देता हूँ, सर का जो होटल है बहुत ही खूबसूरत है, तो अभी चलते होटल में। गाइस अभी मैं होटल के अंदर भी आ गया, और जो आपको दिख रहा है सीन एक एक क्लब है, और क्लब बहुत ही खूबसूरत बना है, यहाँ पे बहुत सारे टिकटॉकर भी आते हैं, तो मैं साइड में फ़ोटो दे दूंगा, देख लेना यहाँ पे कौन कौन आया था, क्योंकि ये हमारे उल्लास सर के साथ में फ़ोटोज़ वगैरह है, तो मैं भी बुलाना चाहता हूँ उल्लास सर के बड़े भाई। सर प्लीज़ आ जाइए। सर सबसे पहले बता सर आपका नाम क्या है? विलास कांत है। विलास कांत, तो सर ये पब के बारे में सर बताओगे जरा, पब कितना बजे स्टार्ट होते हैं शाम को? ये शाम को 8 बजे से रात को 1:30 बजे तक चालू रहता है। 1:30 बजे तक, और इसमें खाने से पीने के सब सारे चीज़ उपलब्ध है? यस यस यस, सब चीज़ बेस सब आई थिंक पब है तो बेस वगैरह रहेगा ही रहेगा। सर मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, ये नियर बाय कौन सा स्टेशन पड़ेगा नज़दीक में? ये साकेनगा मेट्रो स्टेशन के वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 मिनट्स। 5 मिनट का रास्ता है, आप आ सकते हैं यहाँ पे, मेरे स्टाफ के स्टाफ से आपको सर्विस बेटर मिलेगी। हाँ।
बराबर ना, यहाँ पे इंटरटेनिंग रहेगा, बॉलीवुड बॉलीवुड लगता है, इंग्लिश गाने लगते हैं और डीजे में सब लोग इंजॉय करोगे। तो गाइस और बहुत सारी बातें करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो बाकी की बातें हमारे उल्लास सर बताएंगे। सर अपना मीटिंग छोड़ के हमारे लिए 5 मिनट निकाल के आते। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। और गाइस अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और ऊपर कुछ बहुत सारी बात आपको बताने वाले, तो देख सी। गाइस अभी हमारे साथ में है रामदास, जो कि इस होटल में काफ़ी टाइम से, सालों से, काफ़ी टाइम नहीं काफ़ी सालों से इसमें काम करते हो। रामदास भाई पहले बताओ आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। तो इस होटल के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे स्पेशली? स्पेशली हमारे पास यहाँ पे क्लब्स है, बैंकेट्स है, रूफटॉप है, यहाँ पे हमारे पास एल कैफे है, कॉफी शॉप बोलते उसको। उसके बाद में हमारे पास प्राइवेट, आपको प्राइवेट मीटिंग करना है तो प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम है। तो यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसा गूगल पे यूट्यूब पे सर्च मार के आते हैं, भाई मुझे एक पब में जाना है, एक क्लब में जाना है, तो इसके प्राइसिंग के बारे में थोड़ा बताओ जो पब्लिक को अच्छा लगे, थोड़ा ही नॉर्मल। हमारे पास एक्चुअली कैसा स्टैग एंट्री, कपल एंट्री और मेल स्टैग फीमेल स्टैग की हिसाब से हम लोग चार्जेस करते और वॉकिंग हम लोग को 11 o'clock तक फ्री कर देते हैं वॉकिंग। और बहुत सारी एवरीडे में हमारे पास ऑफर्स रहते हैं जो हम लोग नॉर्मली बेस्ट प्राइस बाकी के क्लब से हम लोग देते हैं उनको। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अपने सर से। सर आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा होटल है, आप कभी भी आ जाओ। ये भाई का वीडियो भी देखा तो आ जाओ, हम लोग आपके लिए डिस्काउंट दे देंगे, बहुत एंजॉय करने के लिए मिलेगा आपको। और सर स्पेशली अभी लोग तो आने वाले पब में तो कन्फर्म है और आपसे मुलाकात करने का सोचेंगे, तो उन लोग को क्या बोलोगे? तो आ जाओ कभी भी, मुझे कांटेक्ट करो, आपके लिए मैं हाजिर हूँ यहाँ पे। हाँ। मेरा ये कभी भी आ जाओ। तो ये देखो गाइस ऐसी नहीं से सर का ही होटल है, तो सर ज़्यादा टाइम यहीं पर निकालते हैं। सर का जिम भी है, वो जिम का भी वीडियो मैं कभी आपको दिखा दूँगा, उसमें भी आप जा सकते हो, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा तो बात हुई हमारी सर का, बट इस होटल में आओ अगर आपको सर से मिलना है तो सर ज़्यादा करके इसी होटल में अपना टाइम निकालते हैं। और पब का टाइमिंग भाई कितने बजे आप बताते हैं? पब का टाइम हमारा 8 o'clock स्टार्ट होता है, 1:30 क्लोज होता है। 1:30 क्लोज होता है, तो गाइस आप लोग ज़रूर आना।